फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आप लोगों का ये टेंस का वीडियो चल रहा है, जिसमें आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हो चुका है, थर्ड प्रेजेंट का है प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट इसका बचेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो शुरू करते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट इंडिकेट करता है तो जो हमारा वर्क है जो फिनिश्ड हो गया है, कंप्लीट हो गया और डन हो गया है। जैसे ये मेरा कोई, कल जैसे मैंने एक चार्ट बनाया था कि जो कॉन्टिन्यूस टेंस था उसमें क्या था, जो वर्क था बीच में कंटिन्यू था, लेकिन जो परफेक्ट है वो स्टार्ट कहाँ से, वो ये नहीं बताया, लेकिन उसने फिनिशिंग बता दी कि यहाँ पर एंड हो गया है। जैसे आई हैव डन माय वर्क, आई हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी कि नाउ आई एम फ्री, कंप्लीट हो गया, मतलब मैं अपना काम कर चुका हूँ, पूरा एक कंप्लीट है, फिनिश है। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टू इंडिकेट दैट एन एक्शन या एन वर्क, अ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, फिनिश्ड और डन, ये इसकी डेफिनेशन है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? दो टर्म से मिलकर बना है, प्रेजेंट प्रेजेंट और परफेक्ट, दो टर्म से मिलकर बना है। दो टर्म से मिलकर बना है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट प्रेजेंट गिव्स द आइडिया डेट द वर्क हैज बीन कम्प्लीटेड नियर बाय द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट क्या शो करता है? जो मेरा वर्क है वो कम्प्लीट हो रहा है नियर बाय द प्रेजेंट टाइम। और परफेक्ट मेरा शो ये करता है द वर्क डेट हैज बीन कम्प्लीटेड, जो कम्प्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, तो ये मेरा कम्प्लीटेड को, कम्प्लीटनेस को शो करता है। परफेक्ट में द वर्क ऑलरेडी कम्प्लीटेड, दो टर्म्स हैं, तो इसमें जो वर्क है जस्ट फिनिश हो जाता है, आई हैव डन माय वर्क, यू हैव डन योर वर्क, तो इस टाइप की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन हो गई, और ये हमारी आइडेंटिटी हो गई इसकी कि प्रेजेंट क्या शो करता है और परफेक्ट क्या शो करता है। अब हम लोग आते हैं इसके टाइप्स में। इसकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्क तो वही होती है, हैज, हैव, ये मैंने आपको टेंस चार्ट में बताई थी। मेन ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये हैज है, और इसमें वर्ब की जो फॉर्म होती है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, ऑलवेज द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसमें हम लोग पहले, सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीज़ें की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वर्ब हमें पता होना चाहिए कौन सी फॉर्म है, पता है थर्ड फॉर्म हैज है, बाकी पूरा रहेगा सब्जेक्ट हैज है, वर्ब भी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे सेंटेंस में टाइप में फोर ही बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप। अब आते हैं इसके रूल और स्ट्रक्चर में। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव आ जाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस दे, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा याद रखेंगे। अब वर्ब में हैज ए वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज होगा, सब्जेक्ट हैज या हैव, वर्ब भी थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगना होता है, बीच में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये अकॉर्डिंग टू टेंस रखते हैं। ठीक, इसका नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव बहुत ही इजी होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दें, सिर्फ नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका मुझे बनाना है इंटरोगेटिव, सभी रूल देख लेते हैं पहले। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कुछ नहीं, पूरा सेम ये वाला रूल देखिए, बस हैज हैव आगे देखते हैं, हैज हैव सब्जेक्ट
थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हैज हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट बार नोट लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप आ जाइए, सेकंड टाइप जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। अफर्मेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस पूरा रूल ये हैज हैव सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड हैज हैव सब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये मेरे पूरे रूल पर स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव ये टोटल होते हैं चार, लेकिन इसका अफर्मेटिव नेगेटिव इसका अफर्मेटिव नेगेटिव टोटल मिला के बनते हैं हमारे सिक्स सेंटेंस टाइप। जैसे कोई भी सेंटेंस हमने दे दिया एक सेंटेंस, तो उसके आप सिक्स टाइप में बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे अभी मैंने बोला था आई हैव डन माई वर्क, जैसे एग्जाम्पल लिया था वैसे वही ले लीजिए। आई हैव डन माई वर्क, सब्जेक्ट आई ही, हैज देख लीजिए बेटा, हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब हैज लगेगा प्लुरल के साथ यू वी दे। आई हैव डन माय वर्क हिंदी में पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुकी है। आई हैव डन माई वर्क ये अफर्मेटिव है, इसका नेगेटिव बनाना है मुझे। इसका नेगेटिव बनाना है, हैज के बाद नॉट लगाना है। आई हैव नॉट डन माई वर्क, इसका मुझे बनाना है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाएगी, आ जाएगा हैव आई डन माय वर्क क्वेश्चन मार्क, इसका बनाना है नेगेटिव। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का ये मेरा हो गया पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव बनाना, सब्जेक्ट पर नॉट लगा देंगे, हैव आई नॉट डन माय वर्क क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड टाइप बनाना है आपको इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप में क्या आप अपना काम कर चुके हो कंप्लीट, तो व्हाट हैव आई डन माय वर्क। जिसको ये समझ में आ रहा हो मेरा प्रीवियस जो पिछला वीडियो है उसको देखें, ये सब मैं समझाया कि चीज मैंने व्हाट हैव आई डन माय वर्क, इसका नेगेटिव बनाना है। तो व्हाट हैव आई नॉट डन माय वर्क, इस टाइप में ये बनेंगे। अब मेरा हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव के दोनों, और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के दोनों, थोड़ा टाइप होगा सिक्स। स्ट्रक्चर यही रहेगा रूल, और हम लोग को याद करने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट याद करते हैं, उसके बीच में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये हमेशा याद करेंगे, वो हमारा टेंस वाले वीडियो में पूरा बेसिक है उसका। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखिए। पत्र लिख चुकी है, हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुकी है, और ये अफर्मेटिव है मेरा नहीं, इसमें नॉट है, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है देयर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उन्होंने दादी ने लिखा, उन्होंने राइट किया, एक्शन हुआ वर्ब है, लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लोग सेंटेंस डिफाइन कर लें तो मेरे लिए सेंटेंस ईजी होता है, चुका है चुकी है इसकी डिफाइन उसकी पहचान है। तो सब्जेक्ट क्या है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर सिंगुलर के साथ हैज, ग्रैंड मदर हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है राइट,
और थर्ड फॉर्म राइट करती है रिटेन, रिटेन अ लेटर, ये मेरा बन गया अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। इसका बनाना है नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा रामद हैज नॉट, हैज नॉट आ जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप में एक बनेगा अफर्मेटिव एक बनेगा नेगेटिव। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं, इससे स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर वॉज वाली सब हेल्पिंग वर्ब है। इसका बनेगा इंटरोगेटिव बनाना है इसका, क्या दादी माँ बतली चुकी है, तो हैज ग्रैंड मदर रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव इसके बाद नोट आ जाएगा, हैज ग्रैंड मदर नोट रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप और लास्ट होता है इंटरगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, जैसे वाई हैज क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ड उसके बाद सब्जेक्ट ग्रैंड मदर रिटन अ लेटर। इसका नेगेटिव वाई नेगेटिव सब्जेक्ट वर्ड नोट लगाएंगे नेगेटिव में, वाई हैज ग्रैंड मदर नोट रिटन अ लेटर। ये मेरे सिक्स टाइप बन गए, फर्स्ट अफर, दूसरा नेगेटिव, इंटरगेटिव फर्स्ट टाइप पर टू और ये। और बेटा जिसको ये सेंटेंस का रीअरेंजमेंट या स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, वो मेरे पिछले वीडियो देखे, उसमें हमने एक एक का एग्जांपल देके बताया और सेंटेंस के टाइप है ये सब बताए, देख लीजिए। ओके, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट फिनिश हो गया है। तो हमारे चैनल को, आप लोगों को अगर मेरा चैनल पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल यूट्यूब पर जो चैनल है आर आई क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और हाँ जाते जाते बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।